नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 और 31 दिसंबर के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जिनका भी यश में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं कि यशमय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों से यशमय को बचना चाहिए और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यशमय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ग्रह गोचर पर नियमित है तिन्हें अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, पहले बताते हैं इन दोनों के ग्रह नक्षत्रों की तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 30 दिसंबर के दिन बुधवार का दिन होगा और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। दोस्तों, ये दिन आद्रा नाम का नक्षत्र रहेगा और दोस्तों ये दिन ब्रह्म नाम का शुभ योग शाम के 3:43 रहेगा, उसको प्रांति इंद्र नाम का योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें यह ब्रह्म और इंद्र नाम का योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही भाग्यशाली इन दिनों में रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, अशुभ समय में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 11:46 से लेकर दोपहर के 1:06 तक और चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें, साल के आखिरी दिन और महीने के भी आखिरी दिन की, तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन होगा और इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। दोस्तों, इस दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र रहेगा और इस दिन भी इंद्र नाम का शुभ योग दोपहर के 2:51 रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों इस दिन वैदृति नामक योग रहेगा जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छे आखिरी दिन में भी रहने वाले हैं। और दोस्तों, इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 1:06 से लेकर दोपहर के 2:25 तक और दोस्तों चंद्रमा आखिरी दिन में मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और योगों को मिलाकर आपकी राशि आपके दिनचर्या पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। यह समय दोस्तों का साथ शाम बिताना या फिर खरीदारी करना मजेदार और रोमांचक रह सकता है। दोस्तों, यह समय जिस सामाजिक कार्य में जाएंगे वहाँ पर सबके ध्यान का आप केंद्र रहेंगे। कामकाज के मामलों में यह समय आपके विचारों को पूरी तरह से सुना जा सकता है। दोस्तों, यह समय कामकाज के मामले आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके विचारों की सराहना भी होगी। वहीं दोस्तों, यह समय आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो सरकार से संबंधित काम करवाने के लिए आपको थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका बहुत ज़रूरी सरकारी काम अटका पड़ा हुआ है तो दोस्तों बिना किसी हिचक के जो है उच्च अधिकारी से आप बात करें। कोई भी कदम उठाने से पहले बुजुर्गों की आप सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, यह समय आपका जो दिन है सामान्य की तुलना में ज़्यादा काम करने के बोझ वाला समय होगा। दोस्तों, इन दिनों में आपके पास काम की संख्या में पेंडिंग हो सकती है, आपका पूरा फोकस काम पर लगाएं, अपना पूरा फोकस काम पर लगाएं। तो दोस्तों, संभव है कि इन दिनों में आप जो है समाप्त होते होते अपने सभी काम पूरा कर लेंगे और इनसे कोई आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, यश में कई लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, मीटिंग्स या फिर बातों में जो है समय गुजर सकता है। इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है। दोस्तों, इन दिनों में खर्चों में इजाफा हो सकता है लेकिन साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। ऑफिस में अचानक से आपकी जो है ऊर्जा का स्तर काफ़ी नीचे जा सकता है। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह समय कई उतार चढ़ाव को लेकर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों संभावना है कि आप न चाहते हुए भी अपनी किसी आदत से अपने प्रियतम को नाराज कर देंगे, जिसके चलते आप दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, यश में जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं उनको यश में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको भारी खाना खाने के बजाय हल्के भोजन और जूस इत्यादि लेना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, यश में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों, यश में विपरीत लिंगी व्यक्तियों को आपके द्वारा लाभ होने की संभावना है। विपरीत लिंगी मैत्री करने के लिए भी अच्छा समय है।
दोस्तों यदि आप किसी के साथ प्रणय बंधन में अनुबद्ध होंगे तो आपके प्रिय व्यक्ति के साथ जो है खूब अच्छा समय व्यतीत होगा। दोस्तों यश में किसी के समक्ष प्रेम या फिर वैवाहिक प्रस्ताव रखना चाहते होंगे तो तुरंत ही अमल में लाएंगे। वे दोस्तों यश में आपकी धन को लेकर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से यह तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों व्यावसायिक रूप से उतना अच्छा नहीं है। आप समस्याओं के अस्थायी समाधान खोजने में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं जो हैं आपको चिंतित रह सकती है। अपने काम को यश में प्राथमिकता दें। मुद्दों पर ध्यान देने से आपका जो ये समय काम है आसान होगा, ऐसा गणेश जी का मानना है। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी को प्रेम का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो दोस्तों गणेश जी इन दिनों को उचित समझते हैं। घुटने के बल पर बैठकर अपने प्रेमी को वो उपहार दें जो तुरंत उसका ध्यान आकर्षित करती हो। दोस्तों यह समय उस जगह पर जाएं जो मन की स्थिति को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से जो है परिभाषित करे, ऐसा गणेश जी का विचार है। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो परियोजनाओं और असाइनमेंट के पीछे जो है कुछ धन निवेश किया जा सकेगा। आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। दोस्तों यश में आप शब्दों के जादूगर होंगे, इसलिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे ढेर सारे रुपये जल्द आपके पास आ सकेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में पैसे से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक आदर्श समय होगा। गहन विचार वाले फैसले इस दौरान लिए जा सकेंगे। दोस्तों उलझने से यश में दूर रहने की कोशिश करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों स्वास्थ्य और मिजाज के दृष्टिकोण से यश में बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आप माने या फिर ना माने, आपके आसपास कोई बड़े गौर से आपको देख रहा है और आपको एक आदर्श मानता है, इसलिए दोस्तों ऐसे काम करें जो काबिले तारीफ हो और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए। दोस्ती की प्रगढ़ता के चलते रोमांस का फूल भी खिल सकता है। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचे नहीं तो दोस्तों आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात करें। दोस्तों ये जो दिन है, दिन के शुरू में किया गया कोई भी निर्माण कार्य जो है संतोषजनक से पूरा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में बड़ी और लग्जरी गाड़ी और अपना एक बड़ा परिवार चाहते हैं तो दोस्तों किसी से भी गेहूं बाजरा आदि अन्न मुफ्त या फिर दान में ना लें। दोस्तों आपको बता दें कि अपने जीवन में किसी भी स्त्री संबंधित झगड़ों से आप दूर रहें और दोस्तों और अपने धार्मिक स्थलों पर नारियल, बादाम और तेल का दान करते रहें। दोस्तों यह उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनका सूर्य दूसरे घर में होता है। तो दोस्तों अगर आपकी सूर्य इसमें दूसरे घर में है तो दोस्तों यह उपाय जरूर करें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे और पूरा साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहेंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें।